झटपट बनने वाला ये सुपर टेस्टी सुपर डिलिशियस आंध्रा स्टाइल पुलाव आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसे आप चाहे तो लंच बॉक्स में भी भर सकते हैं या फिर क्विक डिनर या मील्स के लिए तैयार कर सकते हैं हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिट रेसिपीज आंध्रा स्टाइल पुलाव जो थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनता है बट बहुत टेस्टी लगता है बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप जितना बासमती राइस को अच्छे से दो से तीन बार वॉश कर लिया था फिर ढेर सारे पानी में इसे तीस मिनट तक भिगो दिया है तीस मिनट के बाद मैंने पानी ड्रेन कर दिया था और चावल को साइड में रख दिया है एक ग्राइंडर जार में हम तीन से चार कलिया लहसुन की ले लेंगे दो हरी मिर्च चॉप करके ले लेंगे साथ ही में एक मुट्ठी भर के पुदीना के पत्ते ले लेंगे और एक छोटे से टमाटर को इस तरह से डाइस करके हम ग्राइंडर जार में मिला देंगे बिना किसी पानी के हमें इसे एक सेमी स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड करके तैयार करना है यही पेस्ट स्पेशलिटी है, है हमारी पुलाव की अब एक प्रेशर कुकर में हम दो टीस्पून तेल गरम कर ले तेल के कॉम्बिनेशन में हम एक टीस्पून घी का इस्तेमाल कर लेंगे जब तेल और घी गर्म हो जाएंगे तब हम इसमें आधा टीस्पून जितना जीरा मिला देंगे जब हमारा जीरा चटकने लग जाएगा तब हम इसमें बाकी के खड़े मसाले मिलाएंगे एक छोटा सा टुकड़ा तेज पत्ता का साथ ही में आधा टुकड़ा चक्री फूल का अब हम इसमें एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का मिलाएंगे एक बड़ी इलायची मिलाएंगे साथ ही में एक छोटी इलायची और एक लवंग का टुकड़ा मिला देंगे ये खड़े मसाले हम अच्छे से सोटे कर लेंगे जब तक कि इनमें से अच्छे खुशबू ना आ जाए ये मसाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप इसे स्किप मत कीजिएगा सारे मसालों को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को डाइस करके मिला देंगे अब हम इसे हल्का कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब मैं कड़ी पत्ता डालना तो भूल ही गई तो इस स्टेज पे मैं इसमें आठ से दस कड़ी पत्ता मिला दूंगी और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब प्याज का कलर हल्का हो जाएगा तब हम इसमें बनाया हुआ पेस्ट मिला देंगे और पेस्ट को हम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि पेस्ट का जो कच्चापन हो ना जो कच्चा खुशबू आती है पेस्ट में से वो निकल जाए अच्छे से इसे चलाते हुए हमें कुक कर लेना है तो आप देख सकते हैं सारा मॉइस्चर भी चला जाएगा में से अब हम इसमें आधा टी स्पून जितना धनिया पाउडर मिलाएंगे साथ ही में अब हम इसमें एक चौथाई टी स्पून गर्म मसाला पाउडर मिला देंगे दोनों तो मसालों को हमें अच्छे से चलाते हुए पकाना है जब तक कि साइड में से तेल निकलना शुरू ना हो जाए जब तेल निकलना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें बाकी के वेजिटेबल्स मिला देंगे या मैंने तीन चौथाई कप जितने वेजिटेबल्स लिए हैं, चॉप करके आलू गाजर बीन्स और हरी मटर ले ली है सारे वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पे और कुक करेंगे इसे तीन से चार मिनट तक आप अपने हिसाब से अपने मन पसंद के वेजिटेबल्स ले सकते हैं वेजिटेबल्स हमारे कुक हो चुके हैं अब हम इसमें सोक और ड्रेन किए हुए चावल मिला देंगे चावल को भी हमें अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करना है और इसे लो फ्लेम पे हम लगभग दो मिनट तक पका देंगे ध्यान रखिएगा कि चावल जले नहीं चावल नीचे चिपके नहीं अच्छे से चावल को हमने मिक्स करके पका दिया है आप देख सकते हैं चावल हमारे सारे वेजिटेबल्स के साथ मिक्स हो चुके हैं अब हम इसमें पानी मिला देंगे आधा कप बासमती राइस लिया है तो इसमें हम एक कप पानी मिला देंगे आप चाहे तो सोना मसूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक टेबल स्पून फ्रेश धनिया की पत्ती को चॉप करके मिला देंगे साथ ही में नमक स्वाद अनुसार मिला रहे हैं मैंने पुलाव को मीडियम स्पाइसी रखा है अब अपने हिसाब से स्पाइस लेवल्स को भी ऑल्टर कर सकते हैं सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे जब पानी में हल्का हल्का उबाल आने लग जाएगा तब हम इसका लिड डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पे हम दो विजिल आने तक प्रेशर कुक कर लेंगे प्रेशर कुक होने के बाद हम इसे फ्लेम से निकाल देंगे और पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे जब हमारा कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम इस तरह से चावल को एक बार चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं एक फोक या फिर एक लैडल से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा पुलाव एक साथ आ जाए आप देख सकते हैं हमारे चावल खिले खिले कितने बढ़िया तरीके से बन के तैयार हुए है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल तो है ना बहुत ही आसान सा पुलाव ये आप इसे अपने पसंद के रायता या फिर कोई भी सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं झटपट इसे बनाइए एंजॉय कीजिए ये सबको बहुत पसंद आएगा तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग